अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी जो इकॉनमी है इसके हवाले से जो मुस्बत इशारे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी की काफ़ी चीज़ें अब सेटल डाउन होती हुई यानी कि ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आज की स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखाई देते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है, और अब मार्केट के अंदर जो हम कह रहे थे कि फॉरनर काफ़ी हद तक मिसिंग है, अब वो बाउंस बैक कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट के अंदर सेफ समझ रहे हैं। साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट श्रिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है, इंपोर्ट के नंबर श्रिंक हो रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे कोशिश की जा रही है। अगर हम सेक्टर वाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें, आईटी सेक्टर के अंदर 10% इजाफा देखा गया। अगर हम बात करें राइस की एक्सपोर्ट की तो इस बार बम्पर क्रॉप देखी जाएगी। कॉटन के हवाले से बात करें तो ये इस बार प्रोडक्ट जो हमारी क्रॉप्स होंगी वो बम्पर क्रॉप्स होंगी, और इसकी वजह से जो टेक्सटाइल को बूस्ट मिलेगा उसके अभी भी नंबर्स आना बाकी हैं। अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की तो सबसे ज्यादा मुनाफा जुलाई अगस्त के अंदर बैंकिंग सेक्टर्स का देखा गया। अगर हम बात करें ऑफिशियल चैनल्स के हवाले से या पेमेंट सिस्टम्स के हवाले से तो वो भी इस बार पाकिस्तान में काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इकॉनमी के हवाले से काफ़ी मुस्बत चीज़ें हैं, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें डेली बेसिस पे जो एक सामना करना पड़ता था जर्क्स का या नेगेटिविटी का, अब वो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता शटर होते हुए दिखाई दे रहा है। इट मींस कि अब आने वाले दिनों में एक खुशहाली की तवक्कुआत की जा सकती हैं। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो अब उसकी वैल्यूएशन स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। हम भी कह सकते हैं रीजन में कंपेटिटिव भी होंगे, और साथ साथ हमारी वैल्यूएशन जो रुपी है उसकी वजह से हम एक अच्छा यू नो एक्सपोर्ट्स के नंबर या फिर एक हमारे मुल्क की जो तरक्की है उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे रुपी वैल्यूएशन के हवाले से। दिस इज़ दी फिफ्टींथ कंसेक्यूटिव डे कि हम देख रहे हैं रुपी बूस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, अप्रिशिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसकी पीछे जो राज है या क्या इसके पीछे जो इनिशिएटिव्स हैं वो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लॉन्च करने वाला है एक पेमेंट सिस्टम जो रास्त के प्लेटफॉर्म से होगा, जिसमें पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट के हवाले से सोचा गया है। तो पर्सन टू मर्चेंट ये फर्स्ट टाइम होगा पाकिस्तान में, जिसके लिए अभी काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। साथ साथ इंश्योरेंस सेक्टर के हवाले से बात करेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर इन पाकिस्तान क्या वैल्यूएशन है इसकी, और साथ साथ बैंकिंग सिस्टम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, इसकी इकॉनमी के लिए। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैसल सिद्दीकी साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सिंध इंश्योरेंस लिमिटेड के, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा तजम्मुल हुसैन साहब, आप सीनियर बैंकर हैं एंड फेलो मेम्बर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, मैं फैसल साहब से पूछना चाहूँगी। फैसल साहब, सबसे पहले जो आज के दिन हमारा एक टॉपिक यू नो एक अच्छे न्यूज़ से हमें प्रोग्राम का स्टार्ट करना चाहेंगे, वो ये कि एक मुस्बत इशारे देखे जा रहे हैं इकॉनमी के हवाले से। बड़ी कोशिशें हैं, बड़े दिनों की मेहनत हैं, बड़ी एक अच्छी सी प्लानिंग है इसके पीछे। आप क्या समझते हैं ये जो अब हमें इनिशिएटिव्स या एक इंडिकेशंस दिख रही है, ये आने वाले दिनों में कितना बड़ा एक जाइंट मोड इख्तियार कर लेगी? सबसे पहले तो मज़ाशा आपका शुक्रिया इनवाइट करने का इस प्रोग्राम में। अच्छा देखें, जो आपने आज का टॉपिक रखा है और जिस तरह प्रोग्राम का स्टार्ट लिया है, देखें जो भी बिजनेस होते हैं उनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उनके सेंटिमेंट्स होते हैं। जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होती इन्वेस्टर्स की, बिजनेस मैंस की, तो वो चाहे आप हालात जैसे भी करें बिज़नेस एक्टिविटी नहीं बढ़ती। ठीक है, आपने ये टॉपिक जिस तरह आपने चूज़ किया है और पॉजिटिव साइड को हमने जो दिखाया है और जैसे इंडिकेटर्स भी आ रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो पॉजिटिव साइड जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस वक्त इकनॉमी में उसको हम हाईलाइट करें। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा आप देखें जो प्रॉब्लम आ रही थी कि डेप्रिशिएट हो रहा था हमारा रुपी बहुत तेज़ी से, इसमें मैं समझता हूँ कि हमें जो हमारी आर्म फोर्सेस ने जिस तरह लीड लिया है और जो इनको सपोर्ट करा है हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पे जो ग्रे मार्केट्स जो क्रिएट्स हो गई थी जहाँ पे जो रुपीज़ हैं वो डॉलर जो है वो ट्रेड हो रहा था,
ग्रे मार्केट के अंदर से, अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर इसी तरह स्मगल हो रहा था बहुत ज़्यादा बेताशा थ्रू जो है मुख्तलिफ कंट्री बाहर जा रहा था ग्रे चैनल के थ्रू। तो ये जो गवर्नमेंट ने इकदाम लिए जिसमें उन्होंने इस ग्रे मार्केट को कंट्रोल किया, कर्ब किया, ये जो स्मगलिंग हो रही थी इसको रोका, तो देखें इसका फौरी तौर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। ठीक है, और इस वक्त पोजीशन ये है कि माशाल्लाह से आपके डॉलर्स की बेचने वाले जो हैं वो ज़्यादा हैं, ख़रीदने वाले कम हैं, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि मैं डॉलर ताकि इनफ्लो, एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है ना, तो वो एक मार्केट में जब इनफ्लो होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू नीचे आती है। ठीक है, तो अब जो जब भी आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन इकदाम करते हैं तो आप एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक स्टार्ट मिला है जो हम इस गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट के लिए जिसकी इस वक्त मैं समझता हूँ लीड जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तो जिस पे हम अपनी आने वाले इकोनॉमिक की फाउंडेशन रख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में हमें वो इकदाम की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ हम जो हमारा ये डिस्पेरिटी है कि जब हमारी डॉलर्स कम होते हैं जैसे बात है हमारी इकनॉमी ज़्यादा डिपेंडेंट करती है इम्पोर्ट्स पे। ठीक है, जब आपकी इम्पोर्ट ज़्यादा होगी और आपकी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के अंदर मिला के भी गैप आएगा तो जो गैप आपको फिर फॉरेन लोन्स के ज़रिए और दूसरे ज़राए के ज़रिए पूरा करना पड़ता है जिसकी वजह से आपकी डॉलर में शॉर्टेज होती है। तो जैसे आपका अभी दूसरा टॉपिक भी है इम्पोर्ट के हवाले से इंडिकेटर्स कम हो रहे हैं हमारे, तो ये सारे इकदाम वो हैं जो हमें हमारे लिए बेहतर प्रोवाइड कर रहे हैं डॉलर के लिए। राइट, आपने इंट्रोडक्टरी कमेंट दिया, मैं तजम्मुल साहब से पूछना चाहूँगी। तजम्मुल साहब, आप क्या समझते हैं कि जो इशारे आ रहे हैं हमारे सामने या फिर जो हमारे सामने इंडिकेशंस आ रही हैं थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एसआईएफसी का कयाम होना और फिर उसके बाद इसमें एक पॉजिटिव चेंज आना, चाहे हम इनिशिएटिव्स देख लें मनी मार्केट के अंदर क्रैक डाउन्स या डॉलर होल्डिंग पे जो क्रैक डाउन या फिर और डिफरेंट माफियाज़ के ऊपर भी, चाहे शुगर के हवाले से हो, फर्टिलाइज़र के हवाले से हो, तमाम चीज़ों को अब देखा जा रहा है, आप क्या समझते हैं ये कितना ज़्यादा मुस्बत है, पॉजिटिव है इकॉनमी के लिए? जी शुक्रिया। SIFC के जो क़याम हैं उसकी वजह से जो है ना वो पॉजिटिव मेजर्स लिए गए, और इससे पहले भी जो सिविल इंतज़ामिया थी लेकिन इसके अंदर ये है कि जो इसके जो हेड हैं या इसके मेंबर हैं वो चूँकि चीफ हैं, आर्मी के चीफ हैं, इस वजह से इसका जो है ना वो ज़्यादा इम्पेक्ट आ रहा है, अदरवाइज़ तो पहले भी ये लोग थे। दूसरी ये कि जैसे हमारी इकनॉमी जो है ना वो एक होती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक होती है इम्पोर्ट ओरिएंटेड, हमारी जो इकनॉमी है ना वो है मिक्स्ड इकनॉमी, हमारी ना सारी की सारी इम्पोर्टेड है, हमारी इम्पोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट है ना, हमारी सारी की सारी, हाँ, सारी की सारी एक्सपोर्ट है। पहले भी आपके प्रोग्राम में लोग कहते रहे हैं कि जी हम जो है वो क्या होता है रॉ मटेरियल बाहर भेज देते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है, वो फिर बाहर बन के गुड फिनिश गुड बन के हमारे पास आ जाती हैं। अक्सर आप सुनते हैं कि जी पाकिस्तान का जो जैसे चावल है वो बाहर चला गया, उस पर इंडिया ने अपना वो लगा दिया स्मगल करके, वो बाहर बिकता है जनाब अली। आप देखें जो तोरखम बॉर्डर है वहाँ जो लोग गए हैं उनसे पूछें आपके, वो सुबह वहाँ पर ट्रकों की लाइन लगी होती है, ट्रक खड़े होते हैं और वो सिर्फ डॉलर में जो है वो ट्रांजेक्शन करते हैं और किसी उसमें नहीं करते, कैश उनके पास होता है, जो लोग लेने वाले होते हैं उसमें डील करने वाले होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैश में करते हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अरबों डॉलर की वहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रही है, बेतहाशा ट्रक खड़े हुए हैं, उनके पास डॉलर किस तरीके से आ रहे हैं, वो ना किसी जगह से तो नहीं ख़रीद रहे हो, इस वजह से वहाँ पास जंग निकल जाता है जो हम कहते हैं ना जी स्मगल हो रहा है, तो स्मगल इस तरीके से हो रहा है। अब ये जो है अब इन्होंने देखा कि जी अब इन्होंने रोक दिया, क्रैक डाउन कर दिया, जी SIFC जो बनी है हमारे पास, तो उसकी वजह से हमें दो फायदे हुए, एक तो जो हिडन डॉलर था जिनके पास लोगों ने रखा हुआ था इस सेंस में कि जी हमारे ये अप्रिशिएट होगा तो हम इसको बेच देंगे, ठीक है, तो वो अप्रिशिएशन के बजाय वो डिप्रिशिएट हो गया, डॉलर डिप्रिशिएट हो गया, पाक रुपये अप्रिशिएट हो गया। इसकी वजह से मैं भी कल पढ़ रहा था कि पाकिस्तान को जो पाक रुपीज के अंदर जो फ़ायदा हुआ 2,200 अरब से ज़्यादा का इनको फ़ायदा हुआ है इसके अंदर, जो पाकिस्तान के जो एग्रीमेंट हुए हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, इस वजह से तो ये एक अच्छा इकदाम है। लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे अभी SIFC ने देखा नहीं, वो इनकम जनरेटेड साइड पर थोड़ा सा उनको तवज्जो देनी चाहिए, वैसे तो वो अपना एग्रीकल्चर की तरफ भी देख रहे हैं, ये इसकी तरफ भी देख रहे हैं, IT की तरफ भी देख रहे हैं, इसमें भी हम एक्सपोर्ट ला सकते हैं,
लेकिन ये जैसे FBR का साइड है जो इनकम जनरेट करता है, टैक्सेशन का जो साइड है उसमें बड़े लूप होल्स हैं। अभी आज के अखबार में था कि जी FBR ने कंसल्टेंट अपॉइंट किया है ये देखने के लिए कि हम किस तरीके से जो है ना अपना ये रेवेन्यू इन्हांस कर सकते हैं। अब सोचने की बात है, 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, आप अभी तक यही नहीं तयन कर पाए कि हम किस तरीके से जो है इन्हांस कर सकते हैं। आपके इतना पूरा FBR है, उसका अमला है, इतने बड़े अफसरान हैं, उसके बावजूद भी आपको जो है ना एक कंसल्टेंट बाहर का हायर करना पड़ रहा है, तो ये तो सोचने की बात है ना कि फिर उतनी बड़ी फोर्स क्या करेगी। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है आरिफ हबीब साहब ने, आप चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले ये बताइए कि मईशत के मस्बत इशारे सामने आना शुरू हो गए, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और साथ साथ उन इनिशिएटिव्स के बारे में जो कि सभी बिजनेस कम्युनिटी निशानदेही करती आ रही थी, अब फाइनली उनके ऊपर काम भी हुआ और इतनी जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? जी आई थिंक ये सबसे जो बड़ा मसला दरपेश था पाकिस्तान को वो यही था कि गिरती हुई रुपए की कीमत, तो जो गिरते हुए रुपए की कीमत थी और उसमें बदकिस्मती से जो ओपन मार्केट थी, वो ओपन मार्केट यूं तो बहुत छोटी है, 5% है टोटल की, लेकिन वो 5% की मार्केट जो है 95% की मार्केट को मैनिपुलेट कर रही थी, और उसमें बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी, मसलन ये है कि स्मगलिंग थी, फिर ये अपना ट्रांसिट ट्रेड की अब्यूजेस थे, फिर ये ईरान बॉर्डर ट्रेड के अब्यूजेस थे, फिर जो है वो इंपोर्ट की अंडर इन्वॉइसिंग के मामला थे, और इलीगल डॉलर्स की परचेजेस थी। तो उसको फिर हुकूमत ने रियलाइज किया और इनसे काफी अरसे से जो है वो इनको ये एडवाइस किया जाता रहा था कि आप इसके ऊपर क्रैक डाउन करें। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वहाँ कराची आए हुए थे जो कुछ हफ्ते पहले, तो उन्होंने इसका रिजॉल्व शो किया और उन्होंने कहा कि आप फॉलोइंग वीक से इसके आप नतीज देखेंगे, और जैसे ही उन्होंने क्रैक डाउन किया तो उसके पॉजिटिव असरात आने शुरू हो गए, और उसकी वजह से जो है वो रुपए की कदर में भी इजाफा हुआ, और रिमिटेंसेस जो है इंटर बैंक से भी जो पहले हवाला हुंडी के जरिए और कैश डीलिंग होती थी वो कम हो गई, खत्म हो गई, तो उसकी वजह से फ्लोज जो है वो इंटर बैंक में फ्लोज भी जो है वो बेहतर हो गए, तो आप उसकी वजह से देखें हमारे कुछ रिजर्व्स में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ। तो ये अगर इसको मुसलसल तौर पर जो है वो सस्टेनेंस उसमें अचीव करेंगे तो इस और मजीद लोगों के एतमाद में जा। फिर ये हुआ है कि चूंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बेहतर हुआ स्टेट बैंक के पास, तो उन्होंने अपने जो रुके हुए रिमिटेंसेस थे, जो डिविडेंड्स थे, जो रॉयल्टीज थी, उसकी पेमेंट्स भी उन्होंने शुरू की है। तो इंपोर्ट्स की तो जो ओवरड्यू पेमेंट थी वो सब स्टेट बैंक ने पेमेंट की है, तो इससे लोगों में जो है वो एक जो है वो पॉजिटिविटी आना शुरू हुई है। तो अभी बहुत सारे और काम, फिर जो दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट है वो SIFC है। SIFC में जो है वो एग्रीकल्चर, माइनिंग, IT और डिफेंस प्रोडक्शन, ये चार सेक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं, और उसमें आपको भी पता होगा कि सऊदी अरब, UAE, चाइना और कतर ने जो है वो दिलचस्पी जाहिर की है कि वो उन्हें इन्वेस्टमेंट जो है वो ये करेंगे। उसके लिए फिर SIFC सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है बल्कि लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी उसका उन्होंने अथॉरिटी भी बना ली है, और ये जो ब्यूरोक्रेसी की रिगमरोल है उससे ये को बायपास करते हुए ये जो सरमाकारों के इश्यूज और मसाइल होंगे वो देन एंड देयर जो है वो हल करेंगे, तो उससे हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतर होगी। फिर ये जो चीजें जो अभी इसमें इम्प्रूव हुआ है फॉरेन एक्सचेंज की मामले को, तो उससे लोगों में आएगा कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो स्टेबल है, और वो स्टेबिलिटी का जब इम्प्रेशन आएगा तो फिर बाहर से जो है वो पैसे आना शुरू हो जाएंगे। फिर जो है क्योंकि पैसे पहले लोगों में ये शिकायत थी कि हम पैसे भेजते हैं फॉरेन करेंसी में और उसकी कदर, रुपए की कदर कम हो जाती है, तो फिर हमारे रिटर्न्स जो हैं
वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये आपको मैं यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, कुछ इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम भी लॉन्च करने की बात की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं? आपने लोकल इन्वेस्टर्स का जिक्र किया, लोकल बिजनेस कम्युनिटी का जिक्र किया, वो भी चाहते हैं कि उनके लिए भी कोई ऐसे पेमेंट सिस्टम, उनके लिए भी कोई ल्यूक्रेटिव सी काउंसिल, उनके लिए भी कोई ऐसे फैसिलिटेशन काउंसिल बने ताकि वो भी यू नो इन्जॉय कर सकें एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरनर्स के लिए तो हम बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन कर रहे हैं, यू आर वेरी राइट, लेकिन लोकल्स के लिए भी क्या डिमांड है? क्या आप समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी हैप्पी है? क्योंकि अभी सिर्फ एक ही 10 डेज के स्पैन के अंदर एक हैप्पीनेस दिखाई दी है, जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई है हमारे तमाम बिजनेस कम्युनिटी से, कराची के बिजनेस कम्युनिटी से। जी आई थिंक ये मेनली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात हो रही है उसमें जो है वो बड़ी और साइजेबल अमाउंट्स की बात हो रही है। इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मसला पाकिस्तान का है वो शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, उसको बढ़ाने की जो है वो जरूरत है। जहां तक लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका तो फिर भी काम जो है वो चल रहा है और उनको भी ये इस SIFC में शामिल किया गया है। लोकल इन्वेस्टर्स के भी जो मैटर्स होंगे उसको वो उस SIFC के जो ऑफिस कायम हुए हैं वो उसमें भी उनको फैसिलिटेशन जो है वो करेंगे। तो लोकल इन्वेस्टर जो है और प्रॉब्लम्स हैं लोकल इन्वेस्टर्स को तो जो है वो इन्वेस्टमेंट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि मेनली ये था कि बाहर के लोगों को ये शिकायत होती थी कि एक तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत वक्त लगा देती है, वो मामला जो है वो दूर हो जाएंगे और वो दूर हो जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाने वाली बात है और वो साइजेबल अमाउंट की बातें हो रही हैं और लोकल इन्वेस्टर्स जो है उनको भी साथ साथ जो है फैसिलिटेट करने की प्लान्स हैं। सो वेल डिटेल आपने बताया कि लोकल इन्वेस्टर्स को भी फैसिलिटेट करने की बात की जा रही है और ऑब्वियसली यस उनकी फैसिलिटेशन से मुराद उनकी नेसेसिटीज के हवाले से, बिजली के, पानी के, गैस के हवाले से। सो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक के आने वाले दिन बेहतर। थैंक यू सो मच आरिफ हबीब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम दिया। आज के दिन हम डिस्कस कर रहे हैं खासकर पॉजिटिव इनिशिएटिव्स के हवाले से, तो हमारे साथ तजम्मुल साहब भी मौजूद हैं, मैं उनसे मज़ीद पूछना चाहूँगी। तजम्मुल साहब, आप फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से बात कर रहे थे और आपने कहा कि FBR ने एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया है, तो ये तो एक अच्छी बात है कि कंसल्टेंसी होनी चाहिए और अच्छी चीज़ें अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसको आगे हायर कर सकते हैं। आप जो टैक्स के हवाले से बात करें तो हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादा है, डायरेक्ट टैक्सेशन कम है, उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे सेट किया जा सकता है? देखिए, इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं उसमें अपेरेंटली आप ये देखती होंगी कि कहते हैं जी कि 80% जो है वो सैलरीड पर्सन का है, लेकिन इसमें यह है कि इनडायरेक्ट टैक्सेज जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट हर आदमी पे कर रहा है। मतलब अगर किसी चीज़ पे जाते हैं तो GST लगा होता है, बाहर से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो CED लगा होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं तो विदहोल्डिंग टैक्स लगा होता है, लेकिन वो जो 80% भी नज़र आ रहे होते हैं उसके अंदर वो लोग हैं जिन जो रिटर्न फाइल करते हैं। इदारों में होता यह है कि जैसे आप PTV की मिसाल लें या जितने भी लोग काम करते हैं उनकी जो भी इनकम टैक्स कटता है, ठीक है ना, तो ये PTV जो भी कुछ करता होगा, जो भी डिपार्टमेंट इसका है, वो सिर्फ PTV की तरफ से उसको सारा का सारा 10 लाख रुपए कटा ना आपका, तो 10 लाख रुपए उन्होंने FBR को भेज दिए। उसके अंदर किसी किस्म की कोई डिटेल नहीं होती कि जी ये इतने लोगों के कटे हैं, इतने नहीं, बस वो आपके रिलाई करते हैं जी, ठीक है। अब वो जब मटेरियलाइज होता है कि जब वो आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका नाम उसके अंदर आता है टैक्स पेयर के अंदर। अदरवाइज 10 लाख जो हैं, अगर 10 लाख में से आपके 500 एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं, 400 ने रिटर्न भरा है और 100 ने नहीं भरा है, तो वो 400 काउंट किए जाएंगे, वो 100 नहीं काउंट किए जाएंगे उसके अंदर। एक तो बड़ा हमारे पर डिफिशेंसी ये है कि FBR को चाहिए, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो भी इदारे आपको टैक्स भेजते हैं आप उनसे, अब आजकल तो जो टैक्स नंबर है ना वो NTN है, वो CNIC नंबर NTN है, पहले होता था CNIC डिफरेंट है, NTN डिफरेंट है, अब आप उनको बाउंड कर दें इदारों को कि जी आप उसके आगे जो है ना इसका CNIC नंबर लिखें, तो आपके पास ऑटोमेटिक जो है ना वो, अब सिस्टम जो है ना आजकल डिजिटल है, आप फाइलिंग भी आपकी डिजिटल होती है, ऑनलाइन फाइलिंग होती है, तो अगर आप पॉइंट क्या है कि फाइल आप हर साल करें आपका, हाँ, पहले तो ही आपका वो ऑटोमेटिकली जो है ना, फिर वो क्या होता है हर इदारा अपना एक सर्टिफिकेट साल में इशू करता है और जो भी है वो इशू करता है जितना टेस्ट करता है वो फिर आप उसके साथ अटैच करते हैं। तो इसकी इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, वो ठीक है उन्होंने कंसल्टेंट हायर किए हैं, लेकिन इसमें देखिए आपके जो बहुत सी रेवेन्यू की जो साइड्स हैं ना, मिसाल के तौर पे आप
फौरी तौर पे जो जहन में आता है ना वो ट्रांसपोर्ट आता है। ट्रांसपोर्ट में देखें आप, ना कोई टिकटिंग का निज़ाम है, ना कोई मीटर का निज़ाम है, ना कोई बसें चल रही हैं वो ओवरलोडेड बसें, ओवर क्राउडेड बसें, लेकिन किसी किस्म का टिकट नहीं। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि उसके आप इस किस तरीके से इनकम मॉनिटर करेंगे। तो ये तो ओपन सेक्टर है। जब शौकत अजीज साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो किसी फोरम पे मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि सर इसको देखें और आप डिस्काउंटेड टिकट इशू करें। डिस्काउंटेड से मुराद ये कि अगर 10 रुपये का टिकट और आप छापें, पहले अगर आपको याद हो SRTC चलती थी, सिंध रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उसमें अपने टिकट छपे होते थे उनके, और वो टिकट सारे जो भी मुसाफिर होते थे वो उनको देते थे। इसमें अगर आप डिस्काउंट, बसेस अभी भी हैं लेकिन अगेन वो सिर्फ नहीं, इंस्टेंट आपने फैसिलिटेशन दे दी, कोई उसके पीछे कोई और देखने, ये तो ओपन सेक्टर है ना, इसमें कोई किसी किस्म की टैक्सेशन नहीं है। इसमें सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा था कि जो डिस्काउंटेड टिकट आप इशू करेंगे मिसाल के तौर पे, तो 10 रुपये का अगर उसकी वैल्यू होगी तो आप उसको 1 रुपये में इशू करेंगे, यानी 9 रुपये जो है वो उसके पास जाएंगे जो गाड़ी चला रहा है, तो कम से कम 1 रुपया तो आपके पास आएगा ना। और आप सारे के सारों को बॉन्ड करेंगे भी, जिसके पास भी ये टिकट हो वो लाजमी आप टिकट लें, तो वो अपना 1 रुपये बचाने के लिए आपको वो टिकट लाजमी देगा, ताकि गवर्नमेंट को 1 रुपये से भी देखिए करोड़ों रुपये का फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, ये छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जो करने की जरूरत है। मैं ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल ओपन सेक्टर है। मैं फैसल साहब से पूछना चाहूँगी, फैसल साहब इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, ये कैसा दिखाई देता है, और ख़ासकर बैंकिंग सिस्टम के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी की भी काफ़ी कॉल्स आती हैं, तो क्या फ़ायदे होते हैं इससे, मुल्क की इकॉनमी को क्या फ़ायदा है? देखिए, आप इंश्योरेंस सेक्टर को वर्ल्ड वाइड जब देखते हैं तो ये एज अ बैकअप ऑफ द इकनॉमी काम करता है, यानी आपकी इकनॉमी के किसी भी शॉक होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रहा होता है, जो लॉसेज आ रहे होते हैं किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, तो ये उसके शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रहा होता है। तो इसकी इसका जो कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस का वो है शेयरिंग ऑफ रिस्क। तो जब किसी इकनॉमी में कोई बड़े लॉसेज आते हैं, आप देखते हैं कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कहीं जलजला आता है, कहीं इस तरह बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो जाता है, तो बड़े हैवी लॉसेस होते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को, गवर्नमेंट को। अगर आप वो देखें तो कभी कभार वो लॉसेस इस हद तक बड़े होते हैं कि वो इकनॉमी के लिए या बिजनेस के लिए वाइप आउट हो जाए, तो वो फिर इंश्योरेंस उनको सपोर्ट करती है। इंश्योरेंस का भी कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो शेयरिंग करता है, अगर वो जो रिस्क होता है वो उसको इंटरनेशनली प्लेस करता है, तो वो जो लॉसेस की जो पेमेंट्स है वो भी यूँ समझे एक तरीके से पूरी दुनिया में शेयर हो रही होती है। अब आप इसकी मिसाल लें, आपको याद होगा 27 दिसंबर का बड़ा अनफॉर्चुनेट एक इवेंट हुआ था हमारा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो शहादत का, तो इसके बाद जो हमारे लॉसेस हुए थे बहुत ह्यूज लॉसेस हुए थे, और उसके अंदर इकोनॉमिक लॉसेस हुए, बहुत ज़्यादा बिजनेस को लॉसेस हुए, तो उसके ऊपर भी आप देखें वो सारे के जितने भी इंश्योर्ड लॉसेस सारे इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट करे, उसमें कोई इंश्योरेंस कंपनी डिफॉल्ट नहीं करी, और सारे लॉसेस पेमेंट करने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी आज भी ऐसे काम कर रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी ये एक आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है हमारा वो उसकी पेनिट्रेशन नहीं बढ़ रही, क्योंकि पेनिट्रेशन से मुराद ये है कि जो इंडिविजुअल्स में या बिजनेसेस के अलावा इंडिविजुअल्स में उनकी पेनिट्रेशन नहीं है, लोग इतने ज़्यादा परचेजेस नहीं करते, तो वो बिजनेस सेक्टर में तो बढ़ रहा है। तो अगर जनरल साइड को देखें तो जनरल सेक्टर के अंदर भी ज़्यादातर हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा, जी हेल्थ सेक्टर है, तो बिजनेसेस में अगर आप देखें तो आप यूँ देखें कि जनरल इंश्योरेंस आज भी, आज से 10 साल पहले भी अगर डॉलर टर्म में आप देखें तो 500 मिलियन डॉलर की पूरी मार्केट थी, और आज भी उतनी है, ठीक है, क्योंकि डॉलर हमारा जब बढ़ा तो ज़ाहिर सी बात है वो प्रीमियम बढ़ने के बावजूद भी जो है वो नहीं करा। लाइफ सेक्टर इसके मुकाबले में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और लाइफ सेक्टर में पेनिट्रेशन इसकी मेन वजह जो है वो बैंक इंश्योरेंस का हमारा सेक्टर था, क्योंकि वो डिलीवरी चैनल्स लाइफ्स को मिला जहाँ से उन्होंने इंडिविजुअल्स को जो है वो अप्रोच किया और वहाँ तक लोगों को इंश्योरेंसेस पहुँचाई। उसके अपने इश्यूज हैं बैंक इंश्योरेंस के, तो लेकिन बहरहाल उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। तो बात यह है कि जिस तरह इंश्योरेंस सेक्टर काम करता है एज ए शॉक एब्जॉर्बर ऑफ इकनॉमी एंड बिजनेसेस, इसी तरह इंडिविजुअल की लाइफ में भी जब वो शामिल होगा तो वो जो इसको इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, जो उसके पूरी सेविंग, उसकी अर्निंग, क्या रुझान पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, क्या लोग अभी भी इंडिविजुअल्स या फिर बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादा तरजीहात देते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल वर्ल्ड? आप इंश्योरेंस के परचेजेस के हवाले से? जी जी बिल्कुल, देखिए अभी भी हमारे यहाँ मैंने बताया कि आपको जो
पेनिट्रेशन है बहुत कम है एज कम्पेयर टू दी रीजन, ठीक है ना। तो GDP का 1% है जो हम कंट्रीब्यूट करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरी इकनॉमी के ऊपर। अच्छा। तो ये बहुत छोटी तादाद है। तो एक जो हमारे रीजन के जो मुल्क है वो 4-5% इकनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसकी जो मैंने आपको बताया कि रीज़न यही है कि जो हमारी इकनॉमिक कंडीशंस हैं, जैसी बात है यहाँ पे इंश्योरेंस को एज अ बैकअप के तौर पे, एज अ अपनी नेसेसिटी के तौर पे नहीं देखा जाता बल्कि एज अ लग्जरी देखा जाता है। इंडिविजुअल इसको इस तरह देख रहा होता है, या मेरे पास इतने एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं है कि मैं इंश्योरेंस परचेज करूँ, हम इसको इस तरह देख रहे होते हैं। हम इस तरह नहीं देख रहे होते कि हम अपने लॉसेस को, फ्यूचर लॉसेस को अक्रॉस द ईयर्स हम फंडेड कर रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी वक्त हमारे पास कोई बड़ा लॉस आया जिससे मेरी सारी अर्निंग वाइप आउट हो जाएगी, जिससे मैं कर्जों में डूब जाऊंगा, तो बजाय इसके उस वक्त मुझे एक अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाए। वो एक सोच डेवलप करने की ज़रूरत है। और जिस तरह आपका फोरम है, तो ये फोरम्स पे अगर डिस्कशन इसी तरह होगी तो यकीनन लोगों के अंदर ये अवेयरनेस बढ़ेगी कि इंश्योरेंस की जो परचेज की है वो नेसेसिटी है, एक लग्जरी नहीं है, वो उनके लिए फ़ायदा है उनको ख़रीदने में। मैं तजम्मुल साहब से पूछूंगी, सर किन किन टाइप्स के हमारे पास इंश्योरेंस मौजूद हैं और पाकिस्तान में कितना ऑफर किया जाता है ये? मोस्टली तो देखिए दो किस्म के इंश्योरेंस सामने आते हैं ना, एक तो लाइफ इंश्योरेंस है और एक जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस तो जाहिर है कि इंडिविजुअल की होती है, और जो जनरल इंश्योरेंस है वो एक वाइड रेंजिंग इंश्योरेंस है। अब थर्ड पार्टी भी सुनती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। अच्छा, थर्ड पार्टी का लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है, और थर्ड पार्टी ये है कि आपने जो इंश्योरेंस करवाई है तो अगर आपने किसी गाड़ी को हिट किया या उसके साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो आप बजाय झगड़ा करने के उसका क्लेम भी आप इंश्योरेंस से क्लेम। ये तो पाकिस्तान में काफ़ी नीड है इसकी। हाँ, मतलब है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो इस वजह से वो उसको क्लेम ही नहीं करते। वो झगड़ा होता है अपनी जेब से देते हैं, चलो भाई वहाँ पर चलिए आप, हम आपको बनवा देते हैं। तो मतलब लोगों को जो है ना अवेयरनेस की जरूरत। तो मेन तो ये दो ही हैं, लाइफ है और फिर हम इस्लामिक के अंदर जो है ना उसको तकाफुल कहते हैं। आप बाकी है उसका भी यही हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, गुड्स के लिए आपके पास गाड़ियों के इंश्योरेंस जी, वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है। जैसे बैंक्स आपको लोन देते हैं, व्हीकल लोन देते हैं आपको, तो आपसे कहते हैं इंश्योरेंस करवाएं, वो भी जनरल इंश्योरेंस का हिस्सा है। एग्रीकल्चर लोन होता है, एग्रीकल्चर लोन देते हैं तो फिर वो एग्रीकल्चर की इंश्योरेंस होती है, उसको स्टेट बैंक आपको रीफाइनेंस भी करता है। जैसे आपने देखा कि एग्रीकल्चर आपने लोन दिया, उसको वो एक खास उसको पोर्शन को स्टेट बैंक रीफाइनेंस करता है, यानी कि आप इंश्योरेंस करवा देंगे, एविडेंस होगा, और फिर वो आपको रीफाइनेंस कर देगा, यानी रीएम्बर्स कर देगा। जो लास्ट ईयर जो फ्लड आया था, सपोज अगर वो क्रॉप्स अगर इंश्योर्ड होती तो फिर उनको पैसे मिल जाते। जिन्होंने किया होगा, मतलब देखिए ना इसके अवेयरनेस, वो भी मैं कह रहा हूँ ना, अवेयरनेस नहीं। अगर वो लोन लेके उन्होंने एग्रीकल्चर लगाई है, लोन लेके कोई फसल लगाई है आपकी, तो वो तो सेफ है, वो तो सिक्योर्ड, सेफ एंड सिक्योर्ड है, वो आप उसका क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बहुत से छोटे छोटे काश्तकार होते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये करना है, तो मोस्टली तो वो ही बेचारे सफ़र करते हैं जिनको कोई अवेयरनेस नहीं है। बाकी अगर कोई बड़े काश्तकार हैं, बड़े उसमें सेटअप पे काम कर रहे हैं और लोन लेके काम कर रहे हैं, फिर तो वो सिक्योर्ड हैं। अगर वो किसी तरीके से भी वो डिस्ट्रॉय होती है तो वो उसको वो वहाँ से इंश्योरेंस कवरेज मिल सकता है। इसी तरीके से हेल्थ है, जैसे आपने हेल्थ की बात की, इसी तरीके से हेल्थ है। हेल्थ में भी देखिए एक लिमिट होती है। हेल्थ में तो जैसे फैसल साहब ने जिक्र किया कि ज़्यादातर बिजनेसेस जो हैं वो ये करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो दे देते हैं, उसकी एक लिमिट तय कर देते हैं, बट वो इंश्योरेंस दे देते हैं। तो ये ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि आजकल चल रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस पाकिस्तान में ज़्यादा मौजूद है। हाँ, इसमें भी जो है ना दो किस्म के इंश्योरेंस है हेल्थ के अंदर भी। एक फैमिली इंश्योरेंस है, मिसाल के तौर पर एक फैमिली है 4 की 5 की, वो आपने एवरेज इंश्योरेंस 2 लाख रुपए की ले ली साल की, तो उसमें ये कोई भी आपके यहाँ बीमार होता है, फैमिली के अंदर कोई बीमार होता है, तो वो आपको 2 लाख के अंदर अंदर कवरेज मिल जाती है। एक इंडिविजुअल, उसी में हेल्थ में इंडिविजुअल कवरेज है, यानी आपकी फैमिली के अंदर अगर 5 लोग हैं तो वो 2-2 लाख की अगर सबकी होती है तो वो 10 लाख के इंश्योरेंस आपके पास है, लेकिन 10 लाख की आपको एक साथ नहीं मिलेगी, वो हर 2 लाख की हर एक की इंडिविजुअल होगी, वो पहले वाली के अंदर 2 लाख की फैमिली की होगी। ये और उसका और ये इसका फर्क है, इंडिविजुअल का और फैमिली। चले वो तो फिर जो ले रहे होंगे तो वन शुड टेक द अवेयरनेस के फिर उसके बाद वो स्टार्ट करें। लेकिन अवेयरनेस की जरूरत है लोगों को। बिल्कुल, मैं फैसल साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान में जो इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और रुझान ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पे, तो अगर रीजन से कंपेयर किया जाए, जैसे आपने कहा कि बहुत कम है पाकिस्तान में, तो आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस कैसे हासिल करनी चाहिए? देखिए, जिन रीजन्स ने डेवलप रीजन्स ने दो क्लासेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, एक तो मोटर के ऊपर और एक हेल्थ के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस वक्त आप मोटर लेके रोड पे आते हैं तो आप किसी की प्रॉपर्टी
और लाइफ के ऊपर थ्रेट भी होते हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना कि आप जिस वक्त खुदा ना खास्ता किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करें और किसी की लाइफ को थ्रेट करें तो उस वक्त ये डिसाइड हो कि आप इसके पैसे कहाँ से देने या इनके रिपेयर कॉस्टिंग किस तरह होगी। तो ये इसको कंपलसरी उन्होंने करा, ठीक है, कंपलसरी पाकिस्तान में भी है लेकिन उसके ऊपर उस तरह का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसलिए जो एक ग्रे मार्केट या फेक ब्लैक मार्केट में ये जाली इंश्योरेंसेस बिकती हैं। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस को भी कंपलसरी करार दिया गया कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपने अगर आपने कवरेज लेना है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड आप परचेज करेंगे इंडिविजुअल्स के लिए भी और ग्रुप, ख़ास तौर पर जो आपके इदारे हैं उनके लिए भी कंपलसरी। अभी भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ कोई इदारों के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड ही करेंगे, ये तो एक आप समझे कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है कि जिसकी वजह से कुछ इदारे जो बाउंड होते हैं कि वो हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, वरना किसी बहुत से इदारे आप देखें बड़े इदारे काम कर रहे हैं वो किसी भी किस्म की कोई मेडिकल कवरेज जो है एम्प्लॉइज को नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो अभी तो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर ही पूरी तरह जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा एम्प्लॉइज को, तो इंडिविजुअल्स तो बहुत आगे की बात है। तो इंडिविजुअल्स जब हम पहले सबसे पहले तो हम ये कंपलसरी कम से कम एटलीस्ट करें कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है फॉर एनी कॉर्पोरेट बिजनेस या कोई छोटा एक बिजनेस, हम क्योंकि नॉर्मली ये इस तरह डिफाइन किया जाता है कि एक लिमिट्स ऊपर जहाँ पे आपके पास एम्प्लॉइज है ना 15 से ऊपर आपके पास जहाँ जिस भी चाहे वो दुकान ही क्यों ना हो, आपने देखा होगा बहुत सी दुकानें जहाँ 50-50 लोग काम कर रहे होते हैं, हाँ सुपर स्टोर हैं, तो वो जहाँ पे आप एक लिमिट से एक्सीड करते हैं तो वहाँ पे कंपलसरी है कि आपने इस एटलीस्ट इतनी हेल्थ इंश्योरेंस करनी है, आपने उनको प्रोवाइड करनी है। क्योंकि आप देखें ये वो टाइम होता है जिस वक्त इंसान की, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जहाँ पे अगर किसी भी किस्म के हेल्थ आप देखें ना, हेल्थ हुआ आपके एजुकेशन हुआ, ये वो आपके मैटर्स हैं जहाँ पे लोग अपनी सेविंग भी जो है ना खर्च कर रहे होते हैं। खुदा ना खास्ता आपके कोई लव वन जो है किसी खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल्स की नीड उनको आई तो उस वक्त आप ये तो नहीं सोच रहे होते कि यार मैं पैसे कहाँ से लाऊँ, तो आपको और उस वक्त आपके पास ये भी चॉइस नहीं होती इलाज कराना ही कराना है, आपने उधार लेना है, आपने कोई अपना एसेट बेचना है, तो उस वक्त आप फाइनेंसिंग के लिए हर हद तक जा रहे होते हैं। तो उस वक्त के लिए आपको लाजमी आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास हो। अच्छा फैसल साहब, एक और सवाल है मेरा, वो ये कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ ये होता है ना कि इंटरेस्ट लेना है तो भाई ये सूद हो जाएगा और ये तमाम चीज़ें, तो इस चीज़ से हटके क्या इस्लाम की इस्लामी बुनियाद पे भी कोई इसमें इंश्योरेंस के अंदर कोई अम्ब्रेला मौजूद है, या फिर हम कहें कि कुछ लोगों का एक ये परसेप्शन होता है कि नहीं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जायज़ नहीं है तो ये हम नहीं लेंगे? ठीक, देखें जो इंश्योरेंस का अपना कॉन्सेप्ट है ना उसमें तो क्योंकि जो भी ड्यूरिंग द ईयर्स एक इस्लामिक साइट फाइनेंस की डेवलप हुई तो उसमें कॉन्सेप्ट के ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं होता, जिन चीज़ों पे एतराज़ होता है उनको निकाल के फिर एक इस्लामिक प्रोडक्ट भी बनाई गई। जो दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एतराज़ किया गया वो एक ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क के ऊपर किया गया और दूसरा एक गरर के ऊपर यानी कि सूद के ऊपर, तो ये दो फैक्टर निकाल के जो है इस्लामिक प्रोडक्ट को डिवेलप किया गया जिसको तकाफुल का नाम दिया गया। तो अगर किसी ने आपको का ये फैक्टर है कि यार मैं इंश्योरेंस इसलिए नहीं खरीदना चाहता कि यार ये गैर इस्लामिक है या इस्लाम में अलाउ नहीं है, तो वो पूरी तरह का मार्केट एक पूरी इस्टेब्लिश मार्केट है इस वक्त तकाफुल की, जिसके अंदर हर तरह की सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है लाइफ में भी और जनरल में, इवन कि जितनी भी कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनियाँ इस वक्त काम कर रही हैं जो इनके रेगुलेटर हैं SECP, उनको अलाउ भी किया हुआ है कि आप एज अ विंडो जो है उनको लाइसेंस दिया हुआ है कि वो एज अ तकाफुल पूरा ऑपरेशन जो है या प्रोडक्ट जो है वो आप अपने क्लाइंट्स को ऑफर करें। तो जिस वक्त भी आप इंश्योरेंस के लिए जाते हैं किसी क्लाइंट के पास तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। तो इस वक्त मार्केट में ये मसाइल नहीं है कि आप इस बुनियाद पे डिफरेंशिएट करें कि मैंने नॉन इस्लामिक की वजह से इंश्योरेंस को नहीं परचेज करना, तो ऑप्शन इस वक्त लोगों के लिए अवेलेबल है। अच्छा तकाफुल की कैसी मार्केट है फिर, मैं तजम्मुल साहब से भी पूछना चाहूंगा। देखिए तकाफुल में कि जो मार्केट है वो जो जब से ये विंडोज़ पहले डेडिकेटेड शुरू में जब जिस वक्त तकाफुल शुरू हुई थी तो उस वक्त डेडिकेटेड कंपनीज इस्टेब्लिश हुई थी और तीन बड़ी कंपनीज जनरल में भी शुरू हुई थी, दो फैमिली तकाफुल कहलाती हैं वो शुरू हुई थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही तकाफुल की विंडोज़ का दिया गया तो उस वक्त 29 करीब जो आप समझें कि कंपनीज जो है वो काम कर रही हैं लाइफ एंड जनरल में मिला के तकाफुल की, और 10 अरब के करीब जो है वो जनरल में PM भी जनरेट हो रहा है, यानी तो तकाफुल जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है,
उसकी वजह यह है कि उसके अंदर एक जो कॉन्सेप्ट है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, जो अभी तक उसका बहुत ज़्यादा लोगों की अवेयरनेस नहीं है, उसमें यह है क्योंकि रिस्क ट्रांसफ़र नहीं होता। यानी इंश्योरेंस में तो ये होता है कि आपने जब इंश्योरेंस परचेज करी तो आपने रिस्क ट्रांसफ़र कर दिया, यानी आपने जो पैसे दिए वो अब आपके नहीं रहे, अब वो इंश्योरेंस कंपनी के। अगर आपको क्लेम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो पैसे तो आपके गए। अच्छा, तो लेकिन तकाफुल में कॉन्सेप्ट ये है कि वो आपने पूल बनाया हुआ लोगों का और वहाँ वो आप शेयर कर रहे हैं, तो जो आप पैसे दे रहे हैं वो ऐसा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो सब मिल के एक पूल बना रहे हैं और उस पूल से सबको क्लेम दिया जा रहा है और आखिर में उस पूल में जो पैसे बचेंगे वो उन्हीं लोगों को रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो अच्छा, जी तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ना, तो ये कॉन्सेप्ट लोग इसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होंगे कि तकाफुल के, लेकिन वो तकाफुल कंपनियाँ उस तरह उसको अभी रिटर्न नहीं करी लोगों के एंड में। अगर आप देखें, अगर मैंने तकाफुल परचेज करी और एक जगह मैंने इंश्योरेंस परचेज करी, अब वो तो मेरे पैसे गए। अगर मैंने फर्स्ट करें 1,00,000 रुपए दिए थे इंश्योरेंस के और यहाँ तकाफुल के, और पचास मेरा क्लेम नहीं आया मुझे वापसी में, 50,000 रुपये रिटर्न हो गए, तो जाहिर सी बात है मैं कभी मुमकिन नहीं है कि दोबारा इंश्योरेंस की तरफ जाऊँगा। तो ये यूनिक फीचर है एक तकाफुल कंपनी का या तकाफुल का एक पूरा जो कॉन्सेप्ट है रिस्क शेयरिंग का। ये भी एक अजीब बात है कि सेहत के लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर वो आपकी सेहत ख़राब होती है, नहीं तो फिर आपके पैसे, थोड़ा सा एक ये इसको जितना समझ कम है। मैं तजम्मुल साहब आपसे पूछना चाहूँगी ग्रे मार्केट के हवाले से, ग्रे मार्केट पाकिस्तान में आप कैसे देखते हैं, और ख़ासकर अब इनिशिएटिव्स के बाद, SIFC के बाद और ये कुछ क्रैकडाउन्स के बाद बड़ा एक अच्छा चेंज आ रहा है। अब क्रैकडाउन जो हुआ है इसमें ग्रे चैनल्स को आप कहाँ देखते हैं, और जो मार्केट्स बड़ी फ्लरिश कर रही थी ग्रे चैनल्स की, उनका फ्यूचर कहाँ दिखाई देता है आपको? देखिए, जो SIFC बनी है तो डॉलर के ऊपर क्रैकडाउन हुआ ना, तो ये एक सेक्टर के ऊपर हुआ। आपके पास डॉलर का इन्फ्लो जो है ना वो ज़्यादा हो गया जी, डिमांड सप्लाई जो है वो उसका इफेक्ट आ गया। लेकिन जो ग्रे चैनल है, ठीक है, वो ये एक चैनल नहीं है खाली, हम डॉलर की तरफ देखें, पूरी मार्केट समझिए कि तकरीबन हर फील्ड में ग्रे चैनल है, हर फील्ड में, हर सेक्टर में ग्रे एक्टिविटी है। अब ऐसी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ ना, ये जितनी बड़ी होटल्स खुली हैं, क्लिफ्टन पे खुली हुई हैं, बंस रोड पर खुली हुई हैं, इतना ये बिजनेस करते हैं डेली का, लाखों में बिजनेस करते हैं, लेकिन क्या इनके अकाउंट ही कहीं नहीं है? कैश पे करते हैं सारा, जो कार डीलर्स हैं सारा कैश पे। आपने सही पॉइंट आउट किया है, लेकिन अभी आरिफ हबीब साहब का कहना ये था कि ये 5% जो ग्रे चैनल्स जो डॉलर मार्केट के हवाले से, वो 95% इकोनॉमी के नंबर्स को मैनिपुलेट करते हैं, तो ये भी कहना सही है मेरे ख्याल में, सही है, क्योंकि डॉलर बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो भी बात हो रही है ना वो डॉलर रिलेटेड हो रही है जी, इसके अंदर कोई डॉलर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आपका इनकम साइड जनरेट करने वाली बात है। हाँ, ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, मतलब नॉन रेगुलेटेड है ये, जितनी मतलब मोस्टली जितने भी शॉपिंग सेंटर्स हैं, जितने भी ये बड़े मतलब फूड चेन्स हैं, मतलब सिवाय इसके कि जो ब्रांडेड हैं वो तो आपको प्रॉपर रसीद भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन बाकी आप रेस्टोरेंट पर जाती हैं इतने, कभी तो आपको खड़े रहना पड़ता है, वेटिंग लंबी होती बिल्कुल, है बिल्कुल। उसके बावजूद भी उनकी तो किसी डेली एक्टिविटी हो रही है, उनकी किसी किस्म की मईशत में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि वो कैश डाल ही नहीं रहे बैंकों के अंदर, अपना उन्होंने कैश रखा हुआ है बस, उसी में वो उनको दिखाना ही नहीं है कुछ कैश करना। तो वो क्या सोल्यूशन है इसका, इसको कैसे? सोल्यूशन है कि अभी वो पिछले वाले एक चेयरमैन थे, उन्होंने कुछ कोशिश की थी पिछली हुकूमत के अंदर के इसको, कि 50,000 के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसमें हम शनाख्ती कार्ड लें, ये लें, हर हुकूमत के अंदर कोशिश हुई है, लेकिन ये कि जो मतलब इस साइड को नहीं देखा गया। फिर क्या होता है कि जो माफिया है ना हमारे पास, वो हुकूमत पे बैकफुट पे चले जाती है, वो वहीं काम खत्म हो जाता है। उनका अपना एक इंटरेस्ट होता है, देखिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट की अपनी एक बाउंड्री होती है, लेकिन जब आप इंटरिम सेटअप के अंदर हैं और आप एक अच्छे फैसले कर रहे हैं, लेकिन SIFC भी किस तरफ देखिएगा, उन्होंने 5 मेजर आपको दे दिए ना, SIFC तो FDI के लिए है ना। हाँ वो तो है ना, लेकिन ये कि यहाँ देखिए दो किस्म से काम हो सकते हैं, एक तो खुशी से, एक खौफ से और एक शौक से। शौक तो यहाँ किसी को भी नहीं है, तो ये जो भी कुछ हो रहा है SIFC में भी जो हो रहा है वो भी खौफ से ही हो रहा है। ये ना समझेंगे ये जो डॉलर आ रहा है ये उनके उसमें खुशी से वो दे रहे हैं, अब क्योंकि उन्होंने महंगा खरीदा हुआ है जी, देख रहे हैं वो नीचे जा रहा है, तो उन्होंने कहा इससे बेहतर है कल 2 रुपए और नीचे चला जाए, आप सेल कर दें भाई इसको। तो वो 10 लाख की जो पूरी इन्वेस्टमेंट थी वो 8 लाख ना रह जाए, जो मनी चेंजर ने जिन्होंने स्टॉक किया हुआ था डॉलर को, वो उन्होंने जो है ना वो उन्होंने कहा भाई ये तो घाटे का सौदा हो गया, खरीद भी तो रहे थे ना। देखिए मैंने खुद 323 रुपए का बेचा था, 15-20 दिन की बात है, 15-20 दिन पहले 323 रुपए का मैंने बेचा था, सेल किया था, और उस वक्त वो शायद थोड़ा 2-1 रुपए जो है ना वो उसमें जो है ना वो ऊपर चल रहा होगा, मैं 325 समझ लूँ तो 333 तक गया था ना, तो मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ आपको। अब वो जाके 298 पर या पता नहीं बल्कि 292 पर आ गया,
292।